जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो, तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये तीन टेंसेस होते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं कि टेंस के जो सब टाइप्स होते हैं, एक्चुअली उन्हें टेंस के एस्पेक्ट्स कहा जाता है, एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि टेंस के जो सब टाइप्स है वो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन नाम से जाने जाते हैं। याद रहे, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो हर मेन टाइप के ये चार सब टाइप्स मतलब एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर बनेगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के लिए भी ये फोर टाइप्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 12 टाइप्स है। तो आज हम सिंपल जो टेंसेस है मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इनके बारे में यहाँ जानने वाले, एक से दूसरे में बदलना। उससे पहले आपका अटेंशन यहाँ पर लाना चाहूँगा। यहाँ आपको दिख रहा है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया के कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो आप क्रिया के फॉर्म्स याद कर लेते हो तो टेंस एक से दूसरे में बदलना, उसे सीखना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दो वर्ब पर उनके फॉर्म्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है V1, V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर प्ले और टीच है। ये जो फॉर्म है ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है V2 मतलब यहाँ पर पास्ट फॉर्म होता है, जो कि सिंपल पास्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्लेड और टॉट। यहाँ पर दिख रहा है आपको V3, प्लेड एंड टॉट। तो ये जो V3 होता है ये तीनों भी टेंसेस में यूज होता है। वो कहाँ यूज होता है ये हम जरूर आने वाले वीडियोज में देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है V4। V4 मतलब जो V1 है उसे ING लगाकर बनता है, जैसे यहाँ पर प्ले, इसको ING लगा दिया तो बन गया प्लेइंग। यहाँ पर टीच, उसे ING लगाने से बन गया टीचिंग। ये भी सभी टेंसेस में यूज होता है। तो देखते हैं आज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को एक से दूसरे में बदलना। यहाँ पर आपको तीन कॉलम्स दिख रहे हैं। पहले कॉलम का टाइटल है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है सिंपल पास्ट और तीसरा है सिंपल फ्यूचर। इसके नीचे मैंने एक फॉर्मूला के जैसा कुछ लिखा है, जो कि स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। S मतलब सब्जेक्ट, जो कि क्रिया कर रहा है उसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहेंगे। V1 मतलब ये वर्ब का पहला फॉर्म है, क्रिया का पहला फॉर्म जो हमने यहाँ पर देखा है। और आखिरी में O मतलब ऑब्जेक्ट। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आए, कभी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, कभी एडवर्ब है, या कभी तीनों भी नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है ये हम आने वाले कुछ वीडियोज में जरूर सीखेंगे, बस इसे ऐसे ही याद रखते हैं। यहाँ पर सिंपल पास्ट है जिसमें आपको फिर से S दिख रहा है, उसके बाद V2 है और उसके बाद O है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें S सेम दिखेगा, O भी सेम है, सिर्फ बदलाव इन फॉर्म में दिख रहा है V1 और V2, जो V2 हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस, जहाँ पर स्ट्रक्चर है S, उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद V1 और आखिरी में है O। अब हम फ्यूचर के स्ट्रक्चर को, फॉर्मूला को इनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा S जैसा कि वैसा है, O जैसा कि वैसा है, जस्ट बदलाव इस चीज में है, दैट इज शैल और विल के साथ V1। मतलब सिंपल प्रेजेंट में V1 है, सिंपल पास्ट में है V2 और सिंपल फ्यूचर में है शैल और विल के साथ V1। आप इन दोनों को फिर से अच्छे से कंपेयर करोगे, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर को, तो इनमें आपको बस इतना ही चेंज दिखेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सब टाइप्स हम सीख रहे हैं इनके जो मैंने स्ट्रक्चर्स नीचे लिखे हैं, या उन्हें आप फॉर्मूलाज कह सकते हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हो और साथ ही में वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेते हो तो बड़े आसानी से आप
एक टाइप का एक टेंस का जो एग्जांपल है वो दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू कि एक्चुअली एक टाइप का एक टेंस का सेंटेंस दूसरे में कैसे चेंज होता है। जैसे आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, आई प्ले क्रिकेट। तो चलिए स्ट्रक्चर के अनुसार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्रिया करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर है आई, वी वन वर्ब मतलब क्रिया, यहाँ पर खेलने की क्रिया हो रही है जो वी वन है। इसके स्पेलिंग से आप देख सकते हो ये वी वन है, राइट। और आखिरी में दिख रहा है हमें वर्ड क्रिकेट जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वी वन और ऑब्जेक्ट जो कि इस स्ट्रक्चर में आता है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब दोस्तों हमें इसे सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, बदलना है। तो कैसे बदलना है इस फॉर्मूला के हेल्प से, स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो देखते हैं कैसे बदलेगा। पहले हमें दिख रहा है एस सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है उसे देखना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है आई, राइट। तो मैं पहले ले लूंगा आई। सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है वी टू। यहाँ पर आइए, यहाँ पर है वी वन प्ले, प्ले का वी टू हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले का वी टू है प्लेड। तो सब्जेक्ट के बाद फॉर्मूला में या स्ट्रक्चर में वी टू है प्लेड, ये मैंने ले लिया प्लेड। इसके बाद हमें दिख रहा है ओ ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं ओ मतलब जो वर्ड है क्रिकेट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, प्लेड वी टू है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। मतलब आप देखेंगे तो आई जैसे के वैसा है, प्ले का बना प्लेड और क्रिकेट जैसे के वैसा है। तो मतलब हमें सिर्फ वर्ब के फॉर्म में बदल करना है। बड़े आसानी से आप इस तरीके से एक टेंस दूसरे में चेंज कर सकते हो, है ना आसान। देखते हैं इसे चेंज करके फ्यूचर के फॉर्म में। तो फिर से देखिए यहाँ पर है एस, आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस को चूज करो। आप एस, हमारा एस यहाँ पर है आई, ये मैंने लिख दिया आई। शाल या विल दोनों में से एक चूज करना है। याद रहे आई और वी के साथ हम शाल यूज कर सकते हैं, और जो विल होता है वो आई और वी के साथ तो यूज कर सकते हैं, साथ ही में और कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम विल यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से एक लेना है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ शाल। आप विल भी ले सकते हो आई के लिए, दोनों में से एक ले लिया। फिर हमें लेना है वी वन। अब यहाँ पर देखिए प्लेट तो वी टू है, राइट। तो वी वन हमें यहाँ पीछे मिलेगा जो कि है प्ले, राइट। मैंने लिख दिया यहाँ पर वी वन प्ले। और इसके बाद मुझे लेना है ओ ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्रिकेट। तो हमारा सेंटेंस बना आई शाल प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, शाल और विल दोनों में से एक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है वी वन और आखिरी में हमें दिख रहा है ओ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप सेंटेंस को देखोगे तो सिर्फ हमें बदलाव दिखेगा इस वर्ब में, राइट। तो एक बार फिर से देखिए तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई जो कि बिल्कुल बदला नहीं, उसके बाद है वी वन प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए वी टू ये बदल गया, और सिंपल फ्यूचर के लिए शाल के साथ वी वन प्ले, और आखिरी में है ऑब्जेक्ट क्रिकेट यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम है। मतलब दोस्तों आपको सिर्फ वर्ब के फॉर्म में बदल करना है। आप वर्ब के फॉर्म में प्रॉपरली बदल कर सकते हो स्ट्रक्चर के अनुसार, तो आपने टेंस को एक से दूसरे में बदलना सीख लिया, है ना बड़ा ही आसान। तो फिर से याद दिलाना चाहूँगा आपको इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लेना है और वर्ब के फॉर्म्स को याद कर लेना है। मैंने बस यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे, वैसे बहुत सारे वर्ब्स है, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मनोज टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर ये जो क्रिया करने वाला है मतलब जो सब्जेक्ट है वो है मनोज, राइट। कौन सी क्रिया है, कौन सा वर्ब है? टीचेस। दोस्तों ये वी वन है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेलिंग दिख रही है टीचेस, जिसमें ईएस एक्स्ट्रा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका रीजन होता है कभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर मैंने मनोज यूज किया है, तो हमें उस वी वन को ईएस लगाना होता है सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के लिए। यहाँ पर सेंटेंस में मनोज सब्जेक्ट है, टीचर्स है वर्ब दैट इज वी वन, और आखिरी में है इंग्लिश जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों इस सेंटेंस को हम अब सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में चेंज करते हैं। फिर से एक बार स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। पहले हमें लेना है सब्जेक्ट,
तो हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मनोज, राइट। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया मनोज। इसके बाद हमें लेना है V2। हमारे पास यहाँ पर V1 है तो हमें टीच का V2 पता होना, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो टीच का V2 है टॉट, ये मैंने यहाँ पर ले लिया V2। और अगला मुझे लेना है ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इंग्लिश। अब यहाँ पर मेरे पास मनोज सब्जेक्ट है, टॉट V2 है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो पहला सेंटेंस है मनोज टीचेस इंग्लिश, जो कि सिंपल प्रेजेंट बता रहा है। और आप ये यहाँ देखोगे मनोज टॉट इंग्लिश, तो ये टीचेस टॉट में कन्वर्ट हो गया, V2 है इसलिए ये सेंटेंस बना सिंपल पास्ट का। चलिए दोस्तों इसे सिंपल फ्यूचर में चेंज करते हैं। तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर की तरफ आना चाहूंगा। पहले लेना है एस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है मनोज, ये मैंने ले लिया मनोज, राइट। शाल या विल के दोनों में से एक यूज करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मनोज है इसलिए मैं ये यूज करूंगा विल, मनोज विल। मनोज के साथ शाल नहीं यूज करूंगा मैं, मनोज विल। इसके बाद हमें लेना है V1, तो दोस्तों ये V2 है, ये है V1, राइट। पर इस V1 में ES जुड़ा हुआ है, जो कि बेसिक फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म है टीच, ES हटाकर। तो मैं इसे बेस फॉर्म में यहाँ पर लिखूंगा टीच, राइट। और आखिर में स्ट्रक्चर में आप देखिए मुझे लेना है ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर इंग्लिश है, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश। अब यहाँ पर मनोज सब्जेक्ट है, विल के साथ टीच, ये V1 है, और आखिरी में है इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है। अब अपना सेंटेंस बना मनोज विल टीच इंग्लिश। आप तीनों सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट मनोज तीनों तरफ सेम है, आखिरी में ऑब्जेक्ट तीनों तरफ सेम है, बदल जो रहा है वो है वर्ब। यहाँ पर है टीचेस V1 जो कि यहाँ पर बन गया V2, मतलब टॉट सिंपल पास्ट बता रहा है, जो कि फ्यूचर के कॉलम में देखेंगे आप तो विल टीच ऐसा बन चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से एक टाइप का टेंस दूसरे में चेंज करना बड़ा ही आसान है। तो आशा करता हूं कि आपको एक टेंस दूसरे में कैसे चेंज होता है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, आपको इन स्ट्रक्चर्स को टेंस के अनुसार याद कर लेना है, और साथ ही में आपको वर्ब फॉर्म्स भी याद कर लेने हैं। तो आज टेंस बदलने के सीरीज में ये हम पहला वीडियो देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको इसी चैनल पर टेंस बदलने के सीरीज में कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों के अलग से वीडियो मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी का एक मिक्स वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल करा दूं। तो आपको ग्रामर सीखने से रिलेटेड जो भी वीडियोस है मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में, ग्रामर 2 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे मेरे ही इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।